सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं डेटा डॉग। कैसे आप लोग? बहुत दिन बाद आप लोग से बात हो रहा है, क्योंकि बीच में जैसे आप सबको पता मेरे घर में थोड़ा प्रोग्राम था, उसके वजह से मैं फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं डाल पाया। तो बैक ऑन ट्रैक, आज से तबीयत मेरा थोड़ा बहुत सही है और गला थोड़ा बहुत अच्छा हो गया, तो होपफुली अभी रेगुलराइज पहले जैसे आप लोगों को वीडियो मिलेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, गिव अप का रिजल्ट मैंने ऑलमोस्ट कलेक्ट कर लिया है, तो होपफुली आज रात या फिर कल सुबह के अंदर आपको गिव अवे का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को मिल जाएगा, और उसके बाद मैं सबको मेल भी कर दूंगा। और आज के टेक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, विच इज द टेक न्यूज़ नंबर 230। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं आपका टेलीग्राम की खबर से। अगर आप टेलीग्राम ऐप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक बहुत ही जल्दी एक नया अपडेट आने वाला है, विच इज टेलीग्राम 4.3, जहां पर आपको रिप्लाई में काफी अच्छा है, एक ट्रांजेक्शन मिलने वाला है, स्टिकर काफी बढ़िया मिलने वाला है, और कुछ भी इनोवेशन सिस्टम्स, मतलब कुछ नया यूजर इंटरफेस काइंड ऑफ आपको मिलने वाला है। मतलब जो भी आपका पहला ऐप था उससे काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा ये टेलीग्राम 4.3 ऐप में। तो डेफिनेट अगर आप इस्तेमाल करें, गो चेक दैट आउट, आपको अपडेट बहुत ही जल्दी मिल गया है जाएगा, या फिर कुछ कुछ को ऑलरेडी गया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है निकॉन की तरफ से। निकॉन ने एक नया कैमरा लॉन्च किया, विच इज निकॉन D850, और यहां पर आपको मिलता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। इसमें आपको मिलता है 45.7 मेगापिक्सल का सेंसर, और इसका प्राइसिंग स्टार्ट होता है 2,54,950 रुपीज और 2,55,000 रुपीज, और अगर आप 24-120 लेंस लेते हैं इसके साथ तब आपको पड़ेगा लगभग 3 लाख रुपीज, और यह आपका सेप्टेम्बर 7 से अवेलेबल होगा 3 लाख रुपए। Zopo की तरफ से नया दो स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया, Zopo P5000 और Zopo Z5000। P5000 आपको मिलेगा 5.99 इंच का 1440x720 पिक्सल आपका डिस्प्ले, और ये प्रॉब्ली आपका हो सकता है 18.9 एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले काइंड ऑफ दैट, क्योंकि रेजोल्यूशन उसी टाइप का आपका लग रहा है। इसका प्राइसिंग अभी तक रिवील्ड नहीं किया गया। इसके साथ आपको मिलता है एंड्रॉइड नोकेट 7.0 आउट ऑफ द बॉक्स, उसके साथ आपको मिलता है 4GB का रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, 4G वोल्टी, 5000mAh का बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। और Zopo Z5000 में आपको मिलने वाला है 5.5 इंच का 12:18:720 नॉर्मल आपका डिस्प्ले, विच इज HD AMOLED डिस्प्ले विद 2.5D कर्व्ड ग्लास, 4GB का रैम, 64GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज, 1.8GHz MediaTek Helio P10 चिपसेट। सो नॉर्मली अभी 4GB 64GB ये काफी कॉमन हो गया, मतलब कोई भी फोन पे अभी दे रहा है, मतलब रैम्स रोम्स काफी मतलब नॉर्मल हो गया, मतलब कोई भी फोन पर भी आपको मिल जा रहा है। हाइब्रिड सिम चल रहा है, 30MP का रियर कैमरा है, 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, और 5000mAh का बैटरी है, और एक चीज ट्रेंडिंग में आ गया वो है सेल्फी कैमरा भी ज्यादा पावरफुल दिया जा रहा है इन कंपेयर टू द रियर कैमरा जो भी है। तो अभी प्राइसिंग के बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, जब भी रिवील होगा डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। सैमसंग J7 Plus ऑफिशियली आपका अनाउंस हो गया, हालांकि इंडिया में कब मिलेगा उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली आपका अवेलेबल बहुत ही जल्दी होने वाला है, और 17 सितंबर में आपको थाईलैंड में ये सेल जा रहा है। प्राइसिंग रखा गया अप्रॉक्सिमेटली 24,880 रुपीज, 25,000 रुपए के आसपास। इंडियन लॉन्च आई डोंट नो उसी टाइप का कुछ होगा शायद। अगर स्पेसिफिक जगह इसमें आपको मिलता है पहली बार सैमसंग ने डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया, जहां पर आपको 30MP प्लस 5MP का आपका 1.9 अपर्चर वाला कैमरा मिलता है। फ्रंट में आपको मिलता है 16MP कैमरा विद 1.9 अपर्चर, दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग, और रियर में आपको 30MP है 1.7 और 5 है 1.9, तो अपर्चर के मामले में डेफिनेटली काफी बढ़िया मिलेगा। 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलने वाला, विच इज सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 2.5D कर्व्ड ग्लास, बाकी 4GB 32GB एंड्रॉइड नोकेट डुअल सिम 3000mAh का बैटरी, अप्रॉक्सिमेटली लाइक J7 प्रो के जैसा ही है। तो इंडियन अवेलेबिलिटी जब होगा तभी पता चलेगा, और स्लिमनेस के हिसाब से ये 7.9 में ठीक है, तो डेफिनेटली काफी पतला भी होगा। नेक्स्ट Huawei Mate 10 आपका बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, Huawei Mate 10 और Huawei Mate 10 Pro, और यहां पर आपको पहली बार देखने को मिल सकता है Kirin 970 का प्रोसेसर, और ये अक्टूबर 16 से आपका अवेलेबल होगा। Alcatel की तरफ से 2-3 नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया है आपका, विच इज लॉन्च इन IFA 2017 Alcatel IDOS 5, जिसका प्राइस रखा गया लगभग 18,200 रुपए, जहां पर आपको मिलेगा 5.2 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, 1.8GHz MediaTek MT6753 प्रोसेसर, 30MP रियर कैमरा, 5MP फ्रंट फेसिंग कैमरा, 2800mAh बैटरी। नेक्स्ट वन इज Alcatel A7, जहां पर आपको प्राइस देना पड़ेगा 17,500 रुपए, इसमें आपको मिलता है 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, 1.5GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 4000mAh बैटरी, और Alcatel A7 XL का प्राइस होगा अप्रॉक्सिमेटली 21,300 रुपीज, इसमें आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा सेटअप 12MP प्लस 2MP, फ्रंट पे आपको मिलता है 5MP कैमरा, MediaTek MT6750S प्रोसेसर, 6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, 4000mAh का बैटरी। प्रोसेसर के मामले में उतना मुझे इंप्रेसिव नहीं लगा, प्राइसिंग तो काफी ज्यादा है, इंडिया में मुझे लगता है Alcatel के लिए वैसा उतना मार्केट है। मोटोरोला पल्स एस्केप बोल के एक नया ब्लूटूथ ऑन ईयर मतलब ओवर द हेड हेडफोन आपको लॉन्च कर दिया गया, एट द प्राइस ऑफ 3,499 रुपीज, यहां पर आपको ब्लूटूथ 4.1 का सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ साथ ये ऑफलाइन रिटेल स्टोर में भी आपके अवेलेबल हो जाएगा। 10 घंटे के ऊपर स्टैंड बाई टाइम मोलो का देने का दावी करता है
ऐसा ही आपका कुछ है जो भी है 350 रुपए दाम है। जियो इफेक्ट, जी जियो इफेक्ट तो बहुत किसी के ऊपर पड़ा है, वैसे ही आपका पड़ा है एयरटेल के ऊपर। एयरटेल एक दो नया प्लान लॉन्च किया, वन इज 349 रुपीज का प्लान जहां पर 28 डेज का वैलिडिटी मिलता है, 1 GB पर डेटा मिलता है, उसके साथ साथ अनलिमिटेड लोकल और नेशनल कॉलिंग का फैसिलिटी मिलता है। हालांकि एयरटेल बोलते हैं अनलिमिटेड कॉल, लेकिन यहां पर आपका कैपिंग है, एक दिन में 250 मिनट या फिर एक हफ्ते में 1000 मिनट तक आप कॉल कर पाएंगे, उसके बाद आपका जो कॉल चार्ज पड़ेगा ऑन नेट 10 पैसा पर मिनट, ऑफ नेट 30 पैसा पर मिनट, जो भी है विच इज वोगस। मुझे नहीं लगता 349 में ऐसा कुछ प्लान अच्छा होगा, अगर ये डेफिनेटली 2 या 3 महीने के लिए होता डेफिनेटली बहुत अच्छा होता। उसके बाद और एक क्लियर प्लान लॉन्च किया एयरटेल ने, वो है 5 रुपीज का प्लान। अगर आप 2G सिम इस्तेमाल करते हैं एयरटेल का, अगर आप 4G में कन्वर्ट कराते हैं अपना सिम को, तब अगर आप पहली बार के लिए 5 रुपीज रिचार्ज करवाएंगे तब आपको 4 GB का 4G डेटा मिलेगा और इसका वैलिडिटी होगा आपका 7 दिनों के लिए। जी हाँ, और ये वन टाइम पैक है, बार बार आप रिचार्ज नहीं कर पाएंगे और 7 दिन तक आप 4 GB का 4G डेटा आप इस्तेमाल कर पाएंगे 10 सेकंड। तो ये आपका कुछ ऑफर है उनके तरफ से। सो गाइज, ये था आपको टोटल टेक न्यूज ऑफ द डे। सो आपको क्या लगता है आज का टेक न्यूज कैसा था, जो भी है आप अपना कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और थोड़ा वेट कर जाए, गिव अवे न्यूज बहुत ही जल्दी आने वाला है और बहुत सारा न्यूज आने वाला है। मोटो G5S का मैंने इन डेप्थ रिव्यू अभी डालना बाकी है, गेमिंग रिव्यू बहुत सारा कुछ रिव्यू डालना बाकी है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया, मैंने शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था लेकिन थोड़ा बहुत ये बाकी था। सो जो भी है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है मेरे चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो इस वीडियो में अभी तक इतना, दिस इज योर होस्ट साइन ऑफ फ्रॉम नेटवर्क, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।